हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जैसा कि हमने कल के क्लासेस में देखा था कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब क्रिएटेड किए गए ताकि हमारे जो आपके वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि देयर इज़ अ नेचुरल बैलेंस इन द इकोसिस्टम। इफ़ यू डू नॉट डिस्टर्ब द नेचुरल इन्वायरमेंट, देयर विल बी फेवर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। यानी नेचुरल जो बैलेंस है, यानी हमारे जो इकोसिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को नेचुरली बैलेंस कर लेता है। अगर हम कोई भी डिस्टर्ब ना करें नेचुरल इन्वायरमेंट को, तो हमारे पास कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। बट ये पॉसिबल है क्या? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉप इंटरेक्टिंग एंड इंटरवेनिंग विथ द इन्वायरमेंट व्हेन लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ टू सर्वाइव। यानी हमारे पास लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, इंटरेक्टिंग और इंटरवेनिंग, यानी हमें जो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है उनके साथ इंटरेक्शन होना ही पड़ेगा और जो उनको हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी जो है हम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो फिर भी हमें क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम किसी चीज़ को करना है ताकि जो हमारा जो नेचुरल बैलेंस है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो बना रहे। इसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम्स अराउंड स्कूल्स एंड द नेबरिंग शुड बी इनकोरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकोरेज टू वॉच मेगेट्री बर्ड्स एंड एंडेमिक एनिमल्स, विजिट नेचुरल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन नेचर कैंप्स सो दैट दे कैन बी हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पेसिस। यानी आपका अब यहाँ पर आया कि जो हमें बहुत सारे जो मेन जो अवेयरनेस प्रोग्राम, किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए, उसको कंसर्व करने के लिए, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो चाहे वो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस करना, जो उसको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। फिर जो प्लांटिंग ट्रीज़, हम जो एफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, यहाँ पर प्लांटिंग ट्रीज़ किया जाए, प्लांट नए नए ट्रीज प्लांट किया जाए, तो उसको हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। इंक्रेज स्टूडेंट्स को जो नेशनल पार्क्स है, फॉरेस्ट एरियाज है, और जो डिफरेंट जो स्पीसीज एनिमल्स स्पीसीज हैं उनके बारे में बताना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, ताकि वो भी उनकी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए काम कर सके, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर सके। देन यहाँ पर जो आता है कि मेनी कंट्रीज़ हैव पास्ड स्ट्रेंथ लॉ अगेंस्ट द किलिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। यानी बहुत सारे जो कंट्रीज़ है जहाँ पर आपके इलीगल जो किलिंग्स होता है, यानी जो शिकार किया जाता है जानवरों का, उसके लिए बहुत सारे जो लॉज हैं, कानून हैं, वो बनाए गए, स्ट्रिक्ट जो कानून बनाए गए, ताकि जो है लोग जो ऐसे जो हरकतें करते हैं वो ना करें। जिसमें आपका इंडिया की हम बात करें तो द किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक हैज़ बीन बैन। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा हैज़ बीन इस्टेब्लिश। यानी यहाँ पर आपके बहुत सारे जो एनिमल्स, पिकॉक है, लायन है, टाइगर है, ग्रैंड इंडियन बस्टर्ड है, यानी बहुत सारे जो एनिमल जो स्पीसीज है, बर्ड स्पीसीज है, उनके जो शिकार है, उनके जो डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स है, उसको बेचना खरीदना पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पनिशेबल बनाया गया, लॉ इनेक्ट किया गया है। देन इंटरनेशनल कन्वेंशन एक बनाया गया जिसको शॉर्ट फॉर्म CITES कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो संस्था है वो काम करता है। यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स बताया गया कि इट इज़ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, इट सीक्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड अ प्लांट स्पीसीज डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। रफली 5,000 एनिमल्स एंड 25,000 प्लांट्स स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस
convention including bears, dolphins, corals, elands, orchids and cacti. It also lists several species of animals and birds whose trade is prohibited. यानी अब ये जो इंटरनेशनल जो एक संस्था बना उसमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट है उसने एग्रीमेंट किया और इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट हुआ उसमें आपके जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है वाइल्ड एनिमल और प्लांट स्पेसिस है इनको बैन कर दिया गया ताकि जो हमारे बहुत सारे जो आपके प्लांट स्पेसिस और एनिमल एनिमल स्पेसिस है उसको प्रोटेक्ट किया जाए जिसमें आपके एनिमल स्पीसीज की बात करें तो 5000 जो एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज में आपको 25000 जो स्पीसीज प्लांट स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट किया गया है. देन बहुत सारे जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनको जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है यानी विदेशी व्यापार है उसकी खरीद बिक्री है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है. तो ये तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए गए बट जो हमें जो करना चाहिए जो होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि एवरी सिटीजन शुड कंसीडर इट एन एथिकल ड्यूटी टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड टू सेव हिज आर हर ओन एनवायरनमेंट. यानी जो मेन जो बेसिक जो थिंग्स है वो क्या है कि प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए जो सिटीज़न है उसको ड्यूटी अपना निभाना पड़ेगा उसको एथिकली वो चीज़ करना पड़ेगा कंजर्व करना पड़ेगा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा प्लांट और एनिमल को ताकि वो सुरक्षित रह सके अपने वोन अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है फ्लोरा है वहाँ पर प्रोटेक्ट करें ताकि वो जो प्लांट स्पीसीज और आपके एनिमल जो स्पीसीज है वो प्रोटेक्टेड और सुरक्षित रह सके. तो ये कुछ जो प्रयास है वो हमें भी करना चाहिए और हमारे आसपास के लोगों को भी हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो भी करें. तो ये आपका चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और आपके एक्सरसाइज वर्क दिए हुए हैं बुक्स में उसको आप कंप्लीट करके मेरे पास सेंड कीजिए. ओके थैंक यू.